हेलो दोस्तों, मैं APS आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे UP SSSC कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्ज़ाम 2016 के बारे में। तो दोस्तों, अभी हाल ही में आपकी जो रिवाइज्ड आंसर की है वो जारी की गई है। 1 जुलाई को आपकी रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दी गई है। तो अब जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है जो आपकी अलग अलग पोस्ट है उनके लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे जूनियर लैब असिस्टेंट और हवालदार इंस्ट्रक्टर के बारे में, और साथ ही साथ दोस्तों देखेंगे कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कब तक जारी किया जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या हो सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो DV के लिए होगा वो जूनियर लैब असिस्टेंट का होगा, और उसके बाद दोस्तों क्योंकि हवालदार में फिजिकल भी है तो फिजिकल के लिए इसकी कट ऑफ जारी होगी। तो अगर हम जूनियर लैब असिस्टेंट की बात कर लेते हैं तो इसकी जो कट ऑफ है दोस्तों वो आपकी 72 ± 2 रहने वाली है आपकी जूनियर लैब असिस्टेंट की। और उसके बाद अगर हम हवलदार की बात कर लेते हैं, हवलदार इंस्ट्रक्टर की, तो 75 ± 2 के आसपास आपकी हवलदार इंस्ट्रक्टर की कट ऑफ हो सकती है। तो कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है दोस्तों इसमें? तो लगभग दोस्तों 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने की संभावना है कि 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो आपका रिजल्ट है वो कब तक जारी हो सकता है। तो रिजल्ट जो जारी होने की संभावना है दोस्तों वो आपका लास्ट जुलाई तक जो है इसके रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना है, क्योंकि दोस्तों 26 जुलाई को ही 4 महीना हो जाएगा। तो 4 महीने तक आपका रिजल्ट हो सकता है जारी कर दिया जाए, क्योंकि 2016 की जो वैकेंसी है काफ़ी पुरानी वैकेंसी है, तो इसको आयोग जल्दी से जल्दी क्लियर करना चाहेगा। तो अभी हाल ही में आपने दोस्तों देखा होगा कि कल ही 2016 की एक वैकेंसी थी JEE की, उसका फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है। तो अब दोस्तों इसी क्रम में आपका कंबाइंड टेक्निकल सर्विस का भी जो हुआ है, तो इसकी भी उम्मीद है कि आपका जल्दी से जल्दी इसको भी जारी कर दिया जाए, रिज़ल्ट जारी कर दिया जाए। अब दोस्तों एक अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल पे आपको कम्युनिटी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, तो उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।